बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटो। आज 14 अगस्त 2020 क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू, और आज हमें पढ़ना है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी। पहले बेटो इसका हम नाम पढ़ेंगे। नाम है शेख मोहम्मद इकबाल। वालिद का नाम, वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालिदा का नाम इमाम बीबी। तारीख पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी। मुकाम पैदाइश सियालकोट पाकिस्तान। बेटो मुकामी पैदाइश सियालकोट पाकिस्तान। तारीख वफात 21 अप्रैल 1938 ईस्वी। मकाम वफात लाहौर। इब्तदाई तालीम मकतब में हुई, फिर स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ सैयद मीर हसन से अरबी और फारसी पढ़ा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान स्कॉच मिशन से ही पास किया। ये बेटो इब्तदाई तालीम। इसके बाद आला तालीम। आला तालीम के लिए गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। वहाँ से बीए किया, फिर फलसफा में एमए भी किया। म्यूनख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, और लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। इस तरह बेटो ये बन गया डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। ये सर बेटो इसको अंग्रेजों की तरफ से खिताब मिल गया। यहां मैं लिखूंगा बेटो खिताब। ये खिताब इसको अंग्रेजों की तरफ से मिल गया सर। इस तरह पूरा नाम इसका बनता है डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बेटो पूरा नाम, पेशा यानी क्या काम क्या करता था। लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से काम किया, यानी इब्तिदा में। फिर वकालत का पेशा इख्तियार किया। असल में जिंदगी भर फिर वकालत में उसने वकालत का पेशा इख्तियार किया। बेटो ये है हालात ज़िंदगी बरसगीर के अजीम शायर अदीब डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। और कल हम इंशाल्लाह इसकी अदबी खदमत पढ़ेंगे, अदब की खदमत उसने किस तरह की। और इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसका यहाँ जो हमें नज़म पढ़नी है बज़्म-ए-अंजम, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। शुक्रिया।